नमस्कार, व्यापारी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 2.296 अरब डॉलर बढ़कर 537 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार 14 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 2.939 अरब डॉलर घटकर 535.252 अरब डॉलर रह गया था। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार 7 अगस्त को सप्ताह में 3.623 अरब डॉलर बढ़कर 238 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों का बढ़ना रहा है, जो मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा होता है। अभी तक सर्च इंजन में अपनी मोनोपोली चलाने वाले गूगल सर्च इंजन को अब तगड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल भी अब सर्च इंजन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो गूगल का दबदबा और उस पर निर्भरता खत्म हो सकती है। एप्पल इसे गूगल के विकल्प के तौर पर पहले अपने डिवाइस में लगा जा सकता है, बाद में पब्लिक के लिए लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कनाडा की जीडीपी में कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड 11.5% की गिरावट आई है। इस साल की पहली तिमाही में भी कनाडा की जीडीपी 2.1% घट गई। अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाही में गिरावट होने के बाद अर्थशास्त्र के नियम के मुताबिक कनाडा आर्थिक मंदी में फंस चुका है। कनाडा में 1961 के बाद पहली बार तिमाही आंकड़ा दर्ज किए जाने के बाद से यह जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट है। घरेलू मांग में 11.1% की गिरावट आई है। पहली तिमाही में भी घरेलू मांग में 1.9% गिरावट दर्ज की गई थी। एनुलाइज्ड रेट के लिहाज से रियल जीडीपी में 38.7% की गिरावट आई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों के कॉमर्स मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत के दौरान कहा कि भारत को अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूनिक अप्रोच की आवश्यकता है। इसकी शुरुआत उन राज्यों के उत्पादों से की जाए जो स्थानीय जिलों में काफी फेमस हैं। इसके लिए उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल का उदाहरण भी दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर कोल्हापुरी चप्पल का सही तरीके से मार्केटिंग किया जाए तो इसका निर्यात करीब 7,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करने की जरूरत है। इस बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना आपदा के कारण पैदा हुई वित्तीय संकट का सामना करने के लिए दिए गए लोन के भुगतान में मोहलत की सुविधा 31 अगस्त को खत्म हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस सुविधा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। यदि ऐसा होता है तो 31 अगस्त के बाद मोरेटोरियम सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और सितंबर में लोन की किस्त का भुगतान करना होगा। सूत्र कहना है कि कोविड-19 कारण पैदा हुए इस संकट को सुलझाए बिना मोरेटोरियम बढ़ाने से कर्ज लेने वालों का क्रेडिट व्यवहार प्रभावित होगा। उड़ने वाली कार पर पिछले कई सालों से कई कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन अब यह सपना साकार होने वाला है, यानी जल्द ही आम आदमी की पहुंच उड़ने वाली कार तक होगी। दरअसल जापान की कंपनी स्काई ड्राइव इंक ने अपनी कार का सफल परीक्षण किया है। कंपनी ने कार के उड़ने वाला वीडियो दिखाया है। वीडियो में कार जमीन से 2 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ती दिखाई दे रहा है। वहीं कार एक फिक्स एरिया में करीब 4 मिनट तक हवा में रही है। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चुनौती नाम से एक नया स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज पर का मकसद देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस चैलेंज के तहत देश के छोटे शहरों से आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इस चैलेंज के तहत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 300 स्टार्टअप्स का चयन किया जाएगा। चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप को 25 लाख रुपए का सीड फंड और अन्य सहायता दी जाएगी। स्वीडन की रिटेलर कंपनी आईकिया और H&M ने बेंगलुरु में अपना टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया है। दोनों ही कंपनियां अब 1,000 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना भी बना रही है, यानी कि कुल मिलाकर करीब 2,000 नौकरियां निकलने वाली हैं। यूके की टेस्को कंपनी का भी यही कई सालों से एक बड़ा सेंटर है। अब यूरोपियन रिटेलर भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं। दिलचस्प है कि दोनों की स्वीडिश कंपनियां बेंगलुरु के कार्ले टाउन सेंटर SEZ में एक दूसरे की पड़ोसी हैं। वर्ल्ड बैंक ने पिछले 5 साल की इज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट की समीक्षा करने का फैसला किया है और इस साल अक्टूबर में आने वाली बिजनेस रैंकिंग लिस्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। नीति आयोग ने कहा कि विश्व बैंक को नियमितता की जांच करनी चाहिए और जल्द ही अपनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने यह कदम चारों देशों की तरफ से हेराफेरी करने के शक में उठाया है। ये 4 देश हैं, चीन, UAE, अजरबैजान और सऊदी अरब। ये 2019 में जारी की गई इज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत से ऊपर थे। कुछ साल में इनकी रैंकिंग में उछाल आया। सोने में तो तेजी देखी जा रही है, चांदी में भी शानदार बढ़त हुई है। कल 65,190 रुपये प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई चांदी करीब 319 रुपये की बढ़त के साथ 65,509 रुपये प्रति किलो के स्तर पर खुली। यार तो कल की खबर है, छोड़ दो। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।